हेलो गाइस, आप देख रहे हैं नूर इंस्टीट्यूट। तो गाइस, आज हम आपको डिटेक्टिव लिटरेचर इंग्लिश का चैप्टर नंबर यानी कि स्टोरी नंबर 2 हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। स्टोरी नंबर 1 हम कर चुके हैं, अब हम करेंगे स्टोरी नंबर 2। तो जैसे कि आपको पता है, हमारी स्टोरी नंबर 2 का जो नाम है वो क्या है, द इमेजिनरी। तो इमेजिनरी का मतलब क्या होता है गाइस? इमेजिनरी का मतलब होता है चिड़ियाघर। तो अब हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी गाइस कहाँ की है? गोला विलेज कॉलोनी। गोला विलेज गांव है, उस कॉलोनी की है। तो वहाँ पर भूमकेश बख्शी एंड उनके फ्रेंड अजीत दोनों बैठे होते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं। एंड उनसे एक निशानाथ नाम का जो एक बिजनेसमैन होता है वो मिलने आता है। तो वो बिजनेसमैन क्या काम करता है निशानाथ नाम का? वो फ्लावर एंड फ्रूट वगैरह बेचता है। तो निशानाथ जो होता है वो पहले बहुत पहले के टाइम में कौन होता है, वो जज होता है पहले वो, बट वो ऐसी कुछ गलत कर देता है जिसकी वजह से उसका जज का लाइसेंस जो होता है वो रद्द हो जाता है। तो उसके बाद वो बिजनेसमैन बन जाता है। तो वो जो निशानात होता है वो भूमकेश बख्शी को बताता है कि उसके घर में एक अलग ना सीन हो रहा है कि कार के पार्ट ना विंडो में से कार के पार्ट आके उसके घर में गिरते हैं। कोई ऐसा लगता है कि उसके कार के पार्ट फेंक रहा हो। एंड एक दिन तो एक टॉय कार भी उसके घर में आकर गिरी थी। एंड तो आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। तो जो ये भूमकेश बख्शी होते हैं कौन होते हैं? इंस्पेक्टर होता है, पुलिस वाला होता है। तो वो इसलिए निशानात आकर उसको बोलता है कि आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करें कि ये कौन करता है, कार के पार्ट कौन फेंकता है। एंड आपको एक और काम करना है। एक और काम क्या करना है? फिल्म एक्टर सुनैना का पता करना है कि सुनैना कहाँ है, कहाँ नहीं है। तो जो वो अजीत होता है वो फिल्म इंडस्ट्री में पहले काम कर चुका होता है, उसको पता होता है। तो वो सुनैना के बारे में पता करता है। जो सुनैना होती है उसका रियल नेम क्या होता है? नित्यकली होता है। एंड शी इज़ अ मैरिड, ये मैरिड होती है। इसने बिगर्ट की फिल्मों में काम किया होता है, 2 से 3 बार फिल्म में इसने काम किया होता है। जो गाइस नेक्स्ट करेक्टर आता है वो किसका आता है? गोलब कॉलोनी में एक पानु गोपाल नाम का एक आदमी रहता है जो बहरा होता है, गुंगा होता है और कस्टल की देखभाल करता है। जो निशानात होते हैं वो भी कस्टल की देखभाल करते हैं। वो कस्टल की देखभाल कब करते हैं? जब उनका जज का लाइसेंस कैंसिल हो जाता है तो वो कस्टल की देखभाल करना शुरू कर देते हैं। फिर नेक्स्ट करेक्टर आता है भुजेंद्र बाबू का, जो कौन होते हैं? डॉक्टर होते हैं, प्लास्टिक सर्जन। लेकिन वो अब एक बार उन्होंने गलती से इंस्ट्रूमेंट्स गलत कर दिए थे जिसकी वजह से वो अब प्लास्टिक सर्जन नहीं रहे, उनका लाइसेंस रद्द हो चुका है, वो अब सितार बजाते हैं। ये 40 वर्ष के हैं। फिर इसमें जो नेक्स्ट करेक्टर आता है वो किसका आता है? मुश्किल मियां, ड्राइवर का आता है। एक ड्राइवर होते हैं मुश्किल मियाँ के नाम है इनका, मुश्किल मियाँ। फिर इसमें जो एक नेक्स्ट करेक्टर है वो किसका है? बिजॉय बाबू को, जो निशानाथ बाबू के भतीजे हैं। बिजॉय बाबू कौन है? निशानाथ बाबू के भतीजे। निशानाथ बाबू कौन है? बिजनेसमैन है। पहले वो जज थे लेकिन बाद में वो बिजनेसमैन बन गए। फिर नेक्स्ट करेक्टर जो होता है वो होता है ब्रिजदास, निशानाथ बाबू के क्लर्क होते हैं। ये क्लर्क किस टाइम के होते हैं? जब क्या नाम है वो जज थे तब। फिर जो नेक्स्ट करेक्टर आता है वो आता है नेपाल गुप्ता का, जो एक साइंटिस्ट होते हैं। और इनकी डॉटर, ये अपनी डॉटर के साथ रहते होते हैं। इनकी डॉटर का क्या नाम होता है? मुकुल नाम होता है इनकी डॉटर का। फिर एक जो नेक्स्ट करेक्टर आता है वो किसका आता है? बोलोनोकी। जो बोलोनोकी होती है वो रियल में सुनैना ही होती है। सुनैना के 3 नाम होते हैं यहाँ पर, एक तो सुनैना एंड नित्यकली और एंड बोलोनोकी, ये तीनों सेम एक ही गर्ल है। तो जो बिजॉय बाबू होते हैं, निशानात के जो भतीजे हैं बिजॉय बाबू, ये भोलोनोकी को देखते हैं कि भोलोनोकी का कोई भी नहीं है। तो ये भोलोनोकी को अपने यहाँ पर गोलप विलेज में रहने की परमिशन दे देते हैं। एंड इसको मनीमन पसंद करने लगते हैं, मतलब कि इन दोनों की। फिर उसके बाद जो आता है, अब एक रात ऐसा होता है जो ये गोलप कॉलोनी है वो इमेजिनरी बन गई। इमेजिनरी क्या मतलब? चिड़ियाघर में बदल गई। अब वो कैसे बदल गया आप वो देखिए। जो एक निशानात बाबू होते हैं, इनकी वाइफ का क्या नाम होता है? दमकी देवी। बहुत साल पहले ही लाल सिंह नाम के आदमी का, जब ये वो थे जज थे, तो एक लाल सिंह नाम के आदमी का उन्होंने फैसला सुनाया था, तो उसको वो उम्र कैद की सज़ा हुई थी।
फांसी की सज़ा ना होकर उनको उम्र कैद की सज़ा हुई थी। तो निशाना बाबू को यही लगता है कि दयाल सिंह लाल सिंह ही उनके यहाँ मतलब ये कार वगैरह के पार्ट फेंकता है। तो एक दिन ऐसा होता है कि निशानंद बाबू का मर्डर हो जाता है, पर उनके सभी घर वालों को ये लगता है कि उनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। पर ऐसा नहीं होता। जब ही भूमकेश बख्शी वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होती है उनके मरने के बाद, जब पता चलता है कि हाँ भूमकेश बाबू मर चुके हैं, सॉरी निशानंद बाबू मर चुके हैं, तो भूमकेश बख्शी क्या होता है वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है, भूमकेश बाबू पता लगाते हैं कि जो निशानंद बाबू थे उन्होंने इतनी गर्मी के टाइम में, समर का टाइम था, तो इतनी गर्मी के टाइम में भी सॉक्स पहन रखे हैं, खिड़की बंद कर रखी है। तो ऐसा क्यों है, डेड बॉडी में सॉक्स क्यों पहन रखे हैं, निशानंद बाबू ने सॉक्स क्यों पहने हैं? तो जब पता चलता है कि जो मर्डर जिसने इनका मर्डर हुआ है कि वो कैसे, कि पहले इनको सॉक्स पहनाए गए हैं एंड फिर रस्सी से बांध के पैर उल्टा लटका दिया गया, जो तो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो माइंड की तरफ आ जाता है, और माइंड की तरफ आकर इनका ब्लड प्रेशर हाई की वजह से इनकी हार्ट अटैक होकर मौत हो गई है। और जो धमकी देवी जो होती है ये इनकी लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे होते हैं, ये हस्बैंड वाइफ नहीं होते हैं। ये सब बातें किसको पता होती है, एक तो बिजॉय बाबू को पता होती है एंड फिर उनके बाद भूमकेश बख्शी को पता चलती है। जो बिजॉय बाबू होते हैं वो जो सुनैना नाम की बोनोलोखी बन के रह रही थी उससे सब बातें शेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि वो पसंद करते हैं उसको, तो सारी बातें शेयर करते हैं। तो उनके बाद ये बातें सुनैना और उनके हस्बैंड को भी पता चल जाती है, तो ये सब बातें उनको भी पता चल जाती है। तो जो सुनैना होती है, जो एक ज्वेलर का बेटा सुनैना को पसंद करता है, तो फिर जो भुजनंद बाबू जो होते हैं वो उसको ज्वेलर के बेटे को मार देते हैं। तो जो वो निशानंद की जो पत्नी होती है धमकी देवी, उनको ये लगता है कि लाल सिंह ही कार के पार्ट उनके घर में फेंक रहे हैं और लाल सिंह ने ही मर्डर किया है। पर ऐसा नहीं होता। जो लाल सिंह होता है वो तो कई साल पहले जेल में मर चुका होता है, उसकी रिहाई नहीं होती है, तो वहाँ पे वो जेल में मर गया होता है। तो ये सब जो ये कर रहे थे वो सुनैना और उसके हस्बैंड भुजेंद्र दास ही कर रहे थे, और उनको ये सारी अंदर की बातें बिजॉय बाबू बता रहा था, जिसको पता नहीं था कि बिनोनोखी सुनैना ही है। तो ऐसे इन्वेस्टिगेशन के बाद सब पता चल जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।